Hey guys, welcome back to my channel. Guys, आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि उसके बाल घने एंड शाइनी रहे और इसके लिए वो महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करता है, लेकिन गाइज उसका भी उसको अच्छा इफेक्ट नहीं मिल पाता है। तो गाइज डोंट वरी, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसा हेयर ऑयल बनाना बताने वाली हूँ। गाइज वो बताने वाली ऑप्शनल है, आप उनमें से जो यूज करना चाहें वो यूज कर सकती हो। गाइज ये जो हेयर ऑयल है वो है अनियन हेयर ऑयल। गाइज ये हेयर ऑयल आपके बालों को एक अच्छा सा थिकनेस प्रदान करेगा, बालों को घना और शाइनी बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पे मैंने अनियन जूस निकाल लिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा जो फर्स्ट रेमेडी है वो। तो गाइज इस फर्स्ट रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पे 2 चम्मच जो हमने प्याज का रस लिया था वो एंड 2 ही चम्मच आपको इसके अंदर आलमंड ऑयल ऐड करना है एंड फिर इसको अच्छे से मिक्स करके अपने हेयर में इसे अच्छे से अप्लाई करना है एंड इसे आपको 2 से 3 मिनट तक लगातार अच्छे से मसाज करनी है एंड गाइज फिर इसे 3 से 4 घंटे तक वैसे ही छोड़ दीजिए एंड फिर अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। गाइज ये हेयर ऑयल आपकी हेयर की ग्रोथ को बूस्ट करेगा, प्लस आपके हेयर में जितनी भी जो आपके हेयर में जो मतलब ग्रोथ नहीं हो रही उसका जो रीजन है उसको भी ये कंट्रोल करेगा और आपके जो बाल है उनको शाइनी करेगा। एंड गाइज आपको इसे वीक में एक बार करना है। गाइज सबसे पहले बात करते हैं अनियन। गाइज अनियन के बारे में तो आपको पता है कि अनियन हमारे हेयर के लिए एक वरदान है, हमारे हेयर को ग्रोथनेस में थिकनेस में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। गाइज आई रिकमेंड यू कि आप अनियन इतनी ज़्यादा अपने हेयर की ग्रोथ के लिए यूज करें। एंड गाइज फिर हमने इसमें मिक्स लिया था वो था आलमंड ऑयल। गाइज आलमंड ऑयल हमारे हेयर को थिक एंड शाइनी बनाने के साथ साथ हमारे हेयर को काला बनाता है, इसीलिए हमने इन दोनों को मिक्स किया ताकि ये हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाए। तो गाइज स्टेप नंबर 2 या फिर रेमेडी नंबर 2, गाइज इसे बनाने के लिए आपको फ्रीके अनियन जूस लेना एंड आपको इसमें हनी ऐड करना है एंड फिर आपको इसके अंदर डाल देना है अरंडी का तेल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 चम्मच अनियन जूस ले रही हूँ एंड फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यानी कि शहद एंड फिर इसके अंदर मैं सरसों ऑयल मिक्स कर रही हूँ एंड फिर इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ एंड मिक्स करके गाइज आपको इसको भी अपने हेयर में ऐसे अप्लाई करना है। गाइज 2 हेयर ऑयल बताए, दोनों में आपको जो सबसे इफेक्टिव लगता है इफेक्टिव आपको जो आपके पास इंग्रीडियंट है वो यूज कर सकते हो। गाइज दोनों ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। गाइज इसको अप्लाई करना है 2 से 3 मिनट तक वैसे ही रखना है एंड गाइज इसको फिर अच्छे से मसाज करनी है 2 से 3 मिनट तक एंड फिर इसको 1 घंटे तक वैसे ही छोड़ दीजिए एंड फिर अपने हेयर वॉश कर लीजिए। गाइस मैंने अनियन के बारे में तो आपको पहले ही बता दिया कि अनियन हमारे हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। अब बात करते हैं कैस्टर ऑयल। गाइस कैस्टर ऑयल क्या करता है, हमारे बालों में जो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और हमारे बालों को शाइनी करता है। तो गाइस ये थे 2 अनियन से जुड़े हेयर ऑयल जिनमें से आप जो चाहे वो हेयर ऑयल यूज करके अपने बालों को थिक एंड शाइनी बना सकते हो। सो गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइस प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।